सर्दियों में कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद हरप्रीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू गुड़ वाले मीठे चावल की रेसिपी। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि हमारे चावल पकते नहीं है, कच्चे रह जाते हैं या वो चिपके से बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक कटोरी मैंने चावल लिए हैं और आधी कटोरी से थोड़ा ज्यादा हमने गुड़ लिया है। आपके चावल खिले खिले बने, अच्छे से पक जाए तो इसके लिए आप जितना चावल लिया है उससे आधा ही हमेशा गुड़ डाल। सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को मेल्ट इसलिए करेंगे कि इसमें कोई भी इनप्योरिटी होगी तो उसे हम छानकर निकाल देंगे। एक कटोरी हमने गुड़ लिया तो डेढ़ कटोरी मैंने पानी डाला है। पानी डालकर इसे गैस पे रखेंगे और इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, एक उबाल आ जाए, तो इसे हम बंद कर देंगे। एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। आप कोई भी घी डाल सकते हैं, वैसे देसी घी से टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाले मूंगफली, सौंफ और लौंग। डालकर अच्छे से हम इसे 2-3 मिनट तक भून लेंगे, इससे इसमें क्रंची बाइट आएगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपको पसंद हो तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से गुड़ वाले चावल में मूंगफली और सौंफ ही डालते हैं। मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है तो अब गुड़ वाला पानी को हम छान कर इसमें डालेंगे और इसमें एक उबाल आ जाए तभी इसमें चावल मिलाएंगे। चावल को अच्छे से पहले साफ करके धो लिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसमें एक उबाल आ जाए तभी इसे हम ढककर पकाएंगे कि पूरा पानी सूख जाए। बीच में एक बार चावल को चेक कर लेंगे कि चावल हमारे पके हैं या नहीं। देखिए अभी भी इसमें पानी है तो इसे ढककर और 5-7 मिनट तक पकाएंगे। जब भी आप चेक करें तो चावल को हिलाना नहीं है, चावल हमारे टूट सकते हैं। 5-7 मिनट हो गए, चावल एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से हमारे चावल पक गए हैं, पानी हमारा पूरा सूख गया। इसे एक बार हल्के हाथों से हिलाना है। अगर आप ज्यादा तेज करेंगे तो चावल टूट जाएंगे जो चिपक सकते हैं। इस तरह हिलाकर आप इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। जब चावल पूरे पक जाएं तब इसे ढककर रख दें। ठंडे हो जाएंगे चावल, आप दोबारा बार बार गर्म करेंगे तो कभी आपके चावल टूटेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। मीठे चावल को कभी भी आप गर्म सर्व ना करें, एक बार ठंडा हो जाने दे, दोबारा गर्म सर्व करें। ये देखिए चावल हमारे कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें।